संबल में खनन माफिया धरती का सीना चीरकर जमीन को बंजर बना रहे हैं। अवैध तरीके से जेसीबी से खनन कर सरकार को भी चूना लगाया जा रहा है। वहीं जिलाधिकारी ने कार्यवाही की बात कही है। हम आपको बता दें कि पूरे जनपद संबल में अवैध खनन का खेल जोरों पर चल रहा है, जहां नियम विरुद्ध तरीके से जेसीबी से मिट्टी खोदी जा रही है। परमिशन की आड़ में खनन माफिया धरती को छलनी कर रहे हैं। रात दिन जमकर जेसीबी और डंपर से अवैध खनन किया जा रहा है। यही नहीं, खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि बीते दिनों खनन डंपर ने एक मदरसा शिक्षक को रौंदकर मौत के घाट उतार दिया। गौर करने वाली बात यह कि खनन माफिया धरती को छलनी कर सरकार को राजस्व का चूना लगा रहे हैं, वहीं इसके बावजूद खनन अधिकारी आंखें मूंद बैठे हैं। उधर पूरे मामले पर जिलाधिकारी ने अवैध खनन के खिलाफ जुर्माना और कार्यवाही की बात कही है। सर, असमुनी सहित पूरे जिले भर में अवैध खनन चल रहा है सर, डंपर से जेसीबी से किया जा रहा है। एक शिक्षिका के भी सर डंपर से चलने से एक्सीडेंट मौत हुई है। वहीं बनेठेड़ से क्षेत्र से भी कई वीडियो सामने आई हैं। क्या कुछ कहेंगे सर उसको लेकर? संबल जनपद में जैसा कि आप अवगत हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ ईंटों भट्टे चलते हैं, तो भट्टों का ये समय होता है जब वो पाटते हैं, तो इस दौरान उनको मिट्टी की जरूरत पड़ती है। लगभग यहाँ 400 से 500 भट्टे जो है पिछले दिनों चलते रहे हैं, तो उस क्रम में ये समय होता है जिसमें ज़्यादा वो लोग मिट्टी का कार्य करते हैं, तो उन्हें रॉयल्टी जमा करके मिट्टी का कार्य करने की छूट है, परंतु किसी भी सूरत में अवैध खनन करने की छूट नहीं है। जो कुछ शिकायतें हमारे पास आई थी कि उनके जो खनन है, खनन भट्टों के लिए करने की आड़ में ये लोग कुछ जगह भराई का काम करते हैं, तो ऐसे जितनी भी शिकायतें आई हैं हमारे द्वारा उसको जांच कराया गया है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि लगभग हर एक महीने यहां 2 से 3 लाख, मतलब एक जेसीबी पे 2 लाख रुपए का और हर एक ट्रैक्टर के ऊपर जो अवैध होते हैं उसमें 25,000 का जुर्माना लगाया जाता है। आइए जुर्माना जो पूरे प्रदेश में सबसे अधिक की संख्या में होगा। दिन के अलावा सर रात के समय भी अवैध रूप से चाहिए खनन चल रहा है सर, और खासकर सर रॉयल्टी जमा के अलावा भी ये लोग अवैध रूप से कर रहे हैं, और खासकर जेसीबी के द्वारा सर कर रहे हैं। सर आपको बताना चाहेंगे कि इस संबंध में प्रॉपर टास्क फोर्स बना हुआ है। टास्क फोर्स का जिम्मेदारी है कि कब दिन के टाइम में जो तहसील स्तर पर है कौन कौन अधिकारी जाएंगे, रात के समय के कौन कौन अधिकारी जाएंगे, और कहीं से भी शिकायत आती है तो जाते हैं उसको पकड़ धकड़ करते हैं। अगर संख्या ज़्यादा होने का कारण यही है क्योंकि हम लोगों ने रात्रि में भी जेसीबी और ट्रैक्टर को पकड़ा है, तो किसी भी सूरत में जो अवैध खनन अगर में कहीं संलिप्त हैं तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा, और अगर पकड़े जाते हैं तो उन पर खनन माफिया के तौर पर उनके मुकदमा भी कराया जाएगा, और जो कंपाउंडेबल है वो जुर्माना भी प्रॉपर होगा।